थोई में प्रीतमपुरी में महिला का गला रेतकर हत्या करने का मामला आया है सामने, जिसके बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजन कर रहे हैं इंसाफ की मांग, पुलिस प्रशासन लगा है जांच पड़ताल में। सीकर जिले के थोई थाना इलाके के प्रीतमपुरी में घर से महिला को उठाकर गला रेतकर शव जंगल में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया तथा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रीतमपुरी के इलाके में महिला उगंता देवी गुजर 26 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसे जंगल में फेंक दिया गया। सर की चटी ले जाके हत्या करने का काम है। पत्ता आपकी क्या लगती है? वो मेरी बहन लगती है सर। आपको पता कब चला? पता चला सर हमारे वो 12:15 बजे। उस टाइम हम घर पे थे सर। जब आपने देखा तब क्या? हमने देखा तो उस टाइम वो नहीं थी वहीं पे। आपने क्या प्रयास किया? हमने प्रयास किया सर, वही चारों तरफ देखे हमने, नहीं मिली ना। फिर हमारे जीजा को पहुँच, जीजा बाके गए लीक पे, लीका पे जाने के बाद उसे मोटरसाइकिल की लीक मिली और वहीं से मोटरसाइकिल लीक मिली ना, वहीं पे उसको ले जाते हुए थोड़ी घिसेटी का सा रूप दिखा उसको, तब बोल रहा था कि ले गया, तब हमने गाड़ी स्टार्ट करके उसी लीकिंग को पीछे कर दिया। फिर आप कहाँ तक? हम सर उसके पीछे पीछे चले गए आगे तक, फिर एक वो ट्रेन आया था ना उसको घुमा के ले गया था, उस ट्रेन से फिर वो आगे वापस गाड़ी आगे चली हुई दिखी ना, तो फिर उसके पीछे चले गए हम। फिर वापस आए हम सर, देखते देखते कि किधर उधर 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 टर्न मारी थी ना उस साइड में, देखते हैं क्या हो रहा है, बेहोश का तरीका है, क्या तरीका है, क्या किया है, क्या नहीं किया, तब देखा तो उसका गला कटा हुआ था, हत्याकांड की हुई थी सर। 13 सदस्यीय कमेटी ने आज प्रीतमपुरी के अंदर गत रात्रि को जो एक महिला की गला रेत कर हत्या की गई है, उसके संबंध में मुलजिमों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का, 3 डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का, पीड़ित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों पर अन्य कोई घटना हमला नहीं हो इसके लिए उनको सुरक्षा के लिए, और सही और जल्दी जांच की जाए, परिवार को बीपीएल गरीब परिवार है इसलिए बीपीएल में शामिल करने के लिए मांग रखी गई है, जिसके ऊपर आज मेरे द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि मुकदमे के अंदर जल्दी ही तफ्तीश करके और जो भी मुलजिम हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ जो भी नियमानुसार आर्थिक सहायता इस परिवार को दे है वो अति शीघ्र इनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर इस 13 सदस्यीय कमेटी ने सहमति जताई है और